ना हम तो यही सोचते हैं कि हमारे कर्म उदय में आएंगे और उनका फल हमें भोग नहीं पड़ेगा। तो भैया इतना सोचना ही पर्याप्त नहीं है, उनका उदय तो आएगा और उनका फल भी भोगना पड़ेगा, लेकिन फल कैसे भोगना है ये मेरे अपने पुरुषार्थ पर निर्भर है। बस इतनी सी बात मुझे ध्यान में रखनी, फल तो दुनिया भोगती है, साता का उदय सैकड़ों लोगों को है, लेकिन उस साता के उदय में कौन क्या अपना पुरुषार्थ करता है इस पर निर्भर करता है उसके अपने जीवन का आगे का लेखा जोखा, सारा व्यक्तित्व इस पर निर्भर करता है। कितने लोग हैं जिनको कि साता के उदय में सारी सुख सुविधाएं मिली हैं, उन सुख सुविधाओं का कौन कैसा उपयोग कर रहा है इसके लिए कोई कर्म नहीं है, ये ध्यान रखना। हम यहां पर मंदिर आए हैं, हम यहां पर धर्म सभा में बैठे हैं, किसी कर्म के उदय से नहीं बैठे हैं। हम यहां पर अपने किसी कर्म को हटा करके अपने पुरुषार्थ को जागृत करके यहां तक आए हैं, किसी कर्म के उदय में यहां पर नहीं आए, ये ध्यान रखना। सारी चीजें सिर्फ कर्म के उदय से ही होती हूं ऐसा नहीं है, मेरे अपने पुरुषार्थ से भी होती है। मेरे कर्म का ने तो सिर्फ इतना ही किया है कि मेरे यहां आने में बाधा उत्पन्न नहीं की है, पर लाने में मुझे मदद नहीं की, आया तो मैं अपने पुरुषार्थ से। बस इतना ही जरूर हुआ है कि जब मैंने अपने पुरुषार्थ को जागृत किया तो बस वो कर्म मेरा बीच में बाधक नहीं आया, वो आ सकता था, और अगर वो बाधक हो जाता तो हो सकता था कि मैं कहीं बाहर की कहीं एंगेज हो जाता और यहां नहीं आ पाता। इतना तो कर्म का वश है, लेकिन कोई भी कर्म किसी को शराब खाने की तरफ ले जाएगा या कि जिनालय की तरफ ले जाएगा ये निर्धारित नहीं करता, ये निर्धारित मैं करता हूं कि मेरे पैर किस तरफ मुड़ना चाहिए। कर्म तो जिस तरफ पैर मुड़ेंगे वहां पर बाधा डाल सकता है, हमें उस तरफ बाई फोर्स ले नहीं जा सकता, ये ध्यान रखना, ये हमारा पुरुषार्थ है। कोई ये कहे कि मैं तो क्या करूं, कर्म का उदय है, मुझे तो चोरी करने का मन होता है, ये मेरी अपनी चॉइस है, ये मेरे अपने कर्म का उदय नहीं है। हां चोरी करते समय अगर मुझे बाधा पड़ेगी तो ये मेरे कर्म का उदय है, मंदिर आते समय मुझे बाधा पड़ेगी तो ये मेरे कर्म का उदय है, लेकिन मंदिर लाने वाला कोई कर्म